अगर वाकई में आप हमारे हिंदी काव्य मंच के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि को सुनना चाहते हैं भाई शैलेश लोढ़ा को, दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाए। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपके जन्मदिन के दो दिन बाद हम यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ये उत्सव इस तरह से, इस तरीके से मनाया जाएगा, मैं आपके प्रति इस जनता के प्रेम को प्रणाम करता हूँ, जो अद्भुत प्रेम है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपको भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, भावी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बीच में बैठे हैं। 5 घंटे से 25-30 हजार लोग एक साथ, और एक भी व्यक्ति ऐसे गया नहीं, ये हिंदी कविता की ताकत है साहब। यकीन मानिए, इस देश में बड़े से बड़े फिल्म स्टार की 300-400 करोड़ की फिल्में बनती हैं, आप 10 मिनट में फ्लॉप करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ आज कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, हमारे पास बच्चन साहब नहीं, हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, हमारे पास हिंदी कविता, और हिंदी कविता 5 घंटे तक अगर लोगों को बिठा कर रखते तो ये ताकत हमारी भाषा की है, हिंदी की है। बस इस बच्चे के हाथ में मोबाइल देखता हूँ तो मुझे कष्ट होता है। अगर संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन दो, इनको किताबें दे दो हाथ में, तो शायद संस्कृति बच जाएगी। पांचवी क्लास की बच्ची नहीं होगी जिसके हाथ में मोबाइल है, और जब हम पांचवी क्लास में पढ़ते थे इसी बात से खुश हो जाते थे छठी में पेन मिलेगा। पैंट पहनने को मिलेगी, हाफ पैंट में घूमते थे। और आपने इतनी बढ़िया आदरणीय पवार जी ने शहीदों की और देश की रक्षा करने वालों की कविता पढ़ी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, पिछले 5 घंटे से मैं 2 जवानों को देख रहा था जो मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 5 घंटे लगातार खड़े होने के बाद दूसरे जवान आते हैं, आप देखिए ये हिले भी नहीं, ये देश के रक्षक हैं, ये नहीं खड़े, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तो 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। हमें इस वर्दी का सम्मान करना चाहिए। आइए, मैं ओज का कवि नहीं हूँ, आदरणीय हरिओम पवार जी ओज के कवि हैं, ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूँ शहीदों के नाम। मैंने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। जब सीमा पे कोई बेटा शहीद होता है तब उसके घर में क्या होता होगा, उसकी माँ पे क्या बीतती होगी, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज काव्य पाठ यहां से शुरू करता हूँ कि जिस दिन डॉक्टर सुरेंद्र जी, जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में सुनाता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और जब देश की रक्षा को ऐसे जवान मुस्तैद हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जैसा कि आपने देखा, अब तो देश के लाल किले की प्राचीर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया झुकती है। तब मैं कहना चाहता हूँ ये देश खड़ा होकर ये भाषा बोलते, मेरी 4 पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पवार को समर्पित करता हूँ, ये उनका विषय है, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ लिखा नहीं, लेकिन समर्पित करता हूं। मैंने ये कहा कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, हम लोगों ने कभी विध्वंस नहीं किया, भारत 5000 साल से विध्वंस कभी नहीं किया, सृजन किया, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर भाषा बोल दे तो किसी हरिओम पवार को तालिबान के खिलाफ कविता लिखने की, आतंकवाद के खिलाफ कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूं, और ये भाषा मुझे खुशी है कि देश की लाल किले की प्राचीर पे बोली जाती है और सारी दुनिया सुनता है, कि सचमुच अब हमारा इरादा विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और ये भाषा बोली जाने लगी, हालांकि पवार जी आप कह रहे थे पाकिस्तान चरणों में आ जाएगा, क्या करेंगे उसे चरणों में लाके, हमारी एक खाली मिसाइल वहां गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को डायरिया हो गया,
और वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी को चार बार फोन किया, आप तो उपाध्यक्ष पार्टी के आप जानते होंगे, इन्होंने उठाया ही नहीं, ये फोन करें ये उठाए नहीं, ये फोन करें ये उठाए नहीं, अगले को पता ही नहीं चला, पांच बार मिस्ड कॉल देके वो बीजेपी का मेंबर बन गया। अब उस पाकिस्तान की हम क्या चिंता कर रहे हैं, और जब तक ये दो हमारे बैठे हैं ऊपर, जब तक ये दो बैठे आप चिंता मत करना, थोड़े दिन में स्कूल के मॉनिटर भी बीजेपी के होंगे, आप चिंता ही मत करो। की आवश्यकता नहीं है। और क्या अमेरिका की औकात जो बाइडेन दुनिया के चाहे जितने परमाणु बम बना ले, चाहे जितनी मिसाइल बना दे, चाहे जितनी दादागिरी कर ले, उसका कहना हिम्मत है तो एक बार आ और रायपुर से दुर्ग सड़क तक आके दिखा दू एक बार। एक पंक्ति में कहता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपने इतनी लंबी बात की पहुंची, एक पंक्ति में कि पाकिस्तान ने अमेरिका ने पूछा पाकिस्तान को कि भाई क्या है, हमें उधार चाहिए, कर्ज दो। तो पाकिस्तान ने मांगा कि हमें कर्ज दो, तो अमेरिका ने कहा कि हम तुझे कर्ज क्यों दें, बोले क्योंकि तुम हमारे बाप के दोस्त हो। लंबी बातें करूंगा ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं सकती है लंबी लंबी बातें, मेरे बाप से नहीं लिखी जाए कभी। डॉक्टर साहब मैं राजस्थान का आदमी और आप तो राजस्थान के समधी हैं, तो आप तो मेरे भी समधी हुए, कोटा से आप बेटी लेके आए, बहू लेके आए हैं, तो आप हमारे भी समधी हुए। मैं जोधपुर का हूं, जोधपुर में रावण को जो है दामाद मानता हूं, क्योंकि मंदोदरी जो है वो जोधपुर की, जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं और सारे देश में दामाद को रावण मानते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। भाई वो तो अब आप मस्ती में आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पवार जी जितना पावर है ही नहीं। पवार जी तो ऐसे कवि जो सटीक वीररस लिखते हैं, मैं सब यकीन बताता हूँ आपको, इस देश में मुझे इस माइक पे कहते कोई गुरेज नहीं है, जितने वीररस के कवि हैं बस वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह हरिओम पवार हो जाए। हर आदमी यही कोशिश करता है, ये पंक्ति इन्होंने कही तो ऐसे कर दो ये, पर हरिओम पवार होना आसान थोड़ी है साहब, इसके लिए आदमी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ता है। तो रख देना भाई, मोबाइल करेगा क्या इसका, करना तो काचा बादाम ही है तेरे को। और छत्तीसगढ़ में तो बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, करना क्या है, मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजोगे किसे यार, क्या करोगे इसका, कुछ काम नहीं आने वाला, बर्बाद कर दिया है। माँ बाप पूरी सारी जिंदगी भगवान का दुआ मांगते हैं हमारे बेटा हो जाए, वो फेसबुक पे पूजा शर्मा बन के बैठा हो। मुझे मस्ती दिला देना, बहुत थका आया हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं रंग में आ गया तो आज की रात राजनांदगांव को भूलने नहीं दूंगा, बस मुझे रंग में ले आना एक बार। है जी है? तुम्हारी आवाज तो निकल नहीं रही है, उम्र देखो तुम्हारी, और इस उम्र में ऐसा चरित्र, और वो भी रमन सिंह जी के पीछे बैठ के, कुछ तो शरण करो यार, ये आपने बहुत आजादी दे रखी है रमन सिंह। अच्छा झुका के नहीं जी, ताकि पास में बीवी दे, अब घर जाना तुम, आ यहीं बैठी, अभी कहेंगे इनको कि रस्ते में आयोडेक्स खरीद लेना, हाँ तो ये कहेंगे चोट तो लगी नहीं, बोले घर तो चलो, हो जाएगा थोड़ी देर। तो मस्त रख दे बेटा मोबाइल, रख दे मस्त, ये मोबाइल है तो झूठ बोलने वाली मशीन। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा,
मोबाइल पे अचानक कोई पुरुष का स्वर बात करते हुए मीठा हो जाए तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। अचानक हेलो या मिलते हैं ना, वरना खुद की बीवी से डॉक्टर साहब जब आदमी बात करता है, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, जब खुद की बीवी से बात करता है तो एक ही बात पूरी बोलता ही नहीं, पूरा सेंटेंस तो कभी बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है वो भी दो दो बार, हेलो हेलो हाँ दुकान पे खा लिया फोन रख हाँ? अब ये पवार जी भी ऐसे जिन्होंने जीवन में बात नहीं की है, सुने नहीं कुछ, इनका पीड़ा देखो आप लोग, बहुत कष्ट होता है। फिर क्या करे आदमी, तालिबान खून खराबा करे, नहीं तो करे क्या बेचारा, कुंठा है गई तो नहीं। ये तो हमारे बड़े जैसे कहते ना जागरूक व्यवस्थित कर, मैं बहुत बड़ा फैन, मैंने जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन 42 साल पहले, और मेरे से पवार जी का रिश्ता जो है प्यार का, स्नेह का, मोहब्बत का, मजाक का, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जब बैठे तो मैंने 1000 रुपए दिए इनको अभी, हाँ, और इन्होंने 500 एक्स्ट्रा और खींचे, ये सच झूठ नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। काव्य पाठ करते बैठा मैंने कहा आज बहुत बढ़िया पढ़ा आपने दोस्त, देखा ना अभिषेक आपने देखा, 42 साल पहले पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा था, उस पहले कवि सम्मेलन मुझे 100 रुपए मिले थे, मैंने 5000 दिए थे, कुल 1500। अरे 100 रुपए, एक तो तारीफ कर रहा हूँ, बीच में बोल के और खराब कर रहे हो अपनी गति यार तुम, 100 रुपए 1980-81 में मिले थे, जिसमें 20 रुपए इनका हिस्सा था, मैं जानता हूँ 5 कवि थे, लेकिन वो 20 रुपए किसी 20 अरब 20 करोड़ से कम नहीं है साहब, क्योंकि उन्हीं उसने ही वो ताकत दी कि हम आगे खड़े हुए, और पवार जी मेरे बहुत प्रिय है इसलिए मैं कह सकता हूँ, उनको कहता हूँ मजाक का हमारा रिश्ता भी है, तो बहुत सटीक वीर इसके कवि हैं, वरना हमारे वीर इसके कवि इतने जोश में आ जाते हैं और गलत जगह पे जोश में आ जाते हैं। एक गया बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, तो बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं है, और तुम माल्या को उधर, वीरस का कवि था जोश में आ गए, अच्छा माल्या, क्लास में बच्चे ने पूछा था माल्यार्पण किसे कहते हैं, बोले सरकारी बैंक जनता का माल लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो गया बैंक में, उनका पैसे नहीं है, क्लर्क ने कह दिया और तो माल्या को उधार, अरे बोले बैंक में पैसे तेरे खाते में नहीं, निकले यहां से। गलत जगह दोष आ जाता है, गलत जगह दोष आ जाता है इसलिए। अब रात को 2 बजे वीरस का कवि उठा, आप दोनों रक्षा में ही खड़े हुए हो ना, पता नहीं भाई साहब इनको देख के आदमी डर मर जाए, कटप्पा नहीं, झुकेगा तो कोई सवाल ही नहीं, अपना डायलॉग है शंभू शिखर नगर का, झुकेगा नहीं साला जब तक नोट नहीं गिर जावे, उसके बाद तो बाप भी झुकेगा, पैसा है क्या करो। रात को 2 बजे पवार जी वैसे ही आपके जो नकल करते हैं ना वैसा वीरस का कभी, रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी वीरस में, मुझे लकवा हो गया, बीवी ने लाइट खोली दिए के झापड़, बोले पजामे के एक पायसे में दोनों टांग फंसा रखी है, और उसके पजामा चूड़ीदार, आदमी को कोमा हो जाए, आप कल्पना करके देखो, आपको क्या लगता है शंभू शुक्र ने धोती पहनना ऐसे शुरू किया है? तेरे पति लगे ये देखो क्या जीवन का आनंद। फिर भुवन जी प्रेम के गीत पढ़ रही थी,
क्या था वो, नदिया के पार ले जाऊं सावरिया, क्या था चल चल परदेसी, क्या नदिया के पार, फिर वहां हैंडपंप खोदे जाके, इधर नदी है बीच में, उस पार ले जाने की इसमें क्या बड़ी, मतलब क्या चाह क्या है उस पार ले जाने की? इस पार का क्या आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इधर का पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है, क्या उस पार? और ये मेरे को गीत कभी समझ नहीं आया, प्रेम के मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी पड़ोसन ने कहा मैं प्रेम में तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, 29 का पहाड़ा सुना, बोल चल, छत में खड़े होकर गालियां दे रही है, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आराम से जीवन में आनंद रहना चाहिए, आराम रहना चाहिए, आनंद बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। कर लो आप, चला के करोगे क्या फिर? आराम से सुन लो, मस्ती से सुनो, आप भी आनंद लो, जीवन में आनंद होना चाहिए साहब। मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में एक बच्ची आई, सुना डॉक्टर साहब, हमारा साहब बच्ची आई, तो असाइनमेंट होता है ना आजकल के स्कूलों में असाइनमेंट होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या होना चाहते हैं जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं, तो किसी ने लिखा आई वांट टू बी डॉक्टर, और लंबा लेख लिखा, किसी ने लिखा आई वांट टू बी इंजीनियर, और बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा, एक बच्चे ने सिर्फ लिखा आई वांट टू बी हैप्पी। तो उस टीचर ने, मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश होना चाहते हैं, टीचर ने उस बच्ची के बाप को बुला लिया, बोले आपकी बच्ची देखो इतना बड़ा आर्टिकल लिखना था, इसमें ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, और सिर्फ एक वाक्य लिखा आई वांट टू बी हैप्पी, इसे असाइनमेंट ही समझ में नहीं आया। बोले मैडम इसे तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको तो जिंदगी समझ में नहीं आया। ये खुशी होना बहुत आवश्यक है जीवन में, ये खुशी आनी चाहिए। स्कूल से मुझे याद आया, डॉक्टर स्कूल की बात कर रहे थे आप, अंग्रेजी स्कूलों की बात कर रहे थे, अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे आजकल आप देखो, अंग्रेजी स्कूलों के हमारे जमाने की बात करो, आजकल के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल को, कल टुमारो इज द फंक्शन इन द स्कूल, सारे बच्चों को आई एम वेरी एक्साइटेड, हमको कहते हैं कल स्कूल में फंक्शन है, बस्ता लाना है कि नहीं कल? हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये थी। ये आजकल के बच्चे एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खरीदने जाते हैं ना, एक बटर स्कॉच दे दो, एक वनीला दे दो, एक टूटी फूटी, तो हम दे दो, एक 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, एक ये जो खराब है दे दो। हमारा बचपन में तो अलग अंदाज से दिखता है। ये स्कूल के बच्चे आजकल के ले जाते हैं, तो मैं देखा है स्कूल के बच्चों को वहां चिड़ियाघर में ले जा रहे थे, चिड़ियाघर में बच्चों को ले जा रहे थे, बंदर सो रहा था, तो एक दूसरा बच्चा, बच्चों डोंट डिस्टर्ब मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब मंकी स्लीपिंग, हम जाते थे पत्थर मार कर, बाहर सो रहा है वहां पे, जिंदगी वो थी। अब कोई जिंदगी बची है अमन अक्सर? बची नहीं है, तू भजन लिखने लग गया अभी से। तेरी उम्र देख यार, इस उम्र में भजन कर रहा है जी, अनूप जलोटा नहीं बन सकता है, उसके लिए बहुत अलग किस्म का टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट बहुत अलग टाइप का टैलेंट है, और हमारे देश में टैलेंटेड लोगों की तो कमी नहीं है। हमारे माँ बाप सोचते बड़ी टैलेंटेड लोग जो मोबाइल लेके घूम रहे इतने, हमारे माँ बाप सोचते हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा रात को 2 बजे जानू फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। ये चल रहा है देश में, हाँ सांसों की आवाज सुननी और हो क्या। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, आप तो राजनीति में आप नहीं है, सोशल मीडिया पे इतना नहीं एक्टिव रहते होंगे, आपकी टीम रहती होगी, लेकिन जो देश के लोग रहते हैं इनकी हालत, हम लोग चेहरों से बात करते हैं पांडे साहब, व्यक्तित्वों से बात नहीं करते, चरित्रों से बात नहीं करते, हम चेहरों से बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं अगर ये व्हाट्सएप 1947 के पहले आ गया होता तो देश आज तक आजाद नहीं होता, आज तक नहीं होता। हम एक दूसरे को मैसेज डालते हैं, इस मैसेज को इतना फैला होगा अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए, हम नहीं होते आज, हम यही करते रहते। तब मैं कहता हूं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। हमने जिंदगी खत्म कर दी और हम चेहरों से बात करते हैं। आप खूबसूरत चेहरा देखिए,
तुरंत लोग बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप किसी पुरुष के लिए तैयार हैं तो माफ करना, नेहा कक्कड़ जी मेरे भी मित्र हैं। जिस देश में नेहा कक्कड़ जी के सोशल मीडिया पे 70 मिलियन फॉलोअर हो और आशा भोसले जी के सिर्फ 3.5 लाख तब ये बात करनी पड़ती है जो मैं करने जा रहा हूं। यानी प्रतिभाओं से तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ चेहरों से बात करते हैं। जिसका मैं उदाहरण देता हूं, कोई अच्छा चेहरा देख ले बस हम सोशल मीडिया पे, फिर आप देखो लोगों के आहा फ्रस्ट्रेटेड कुंठित लोग एक साथ चालू हो जाएंगे। और सेम स्टेटस आज मैं सुरेंद्र जी, आज मैं लोकल बस से बाजार गया, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाया कर भिखारी की औलाद। एक मिनट में हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, तुरंत बदल जाते हैं हम लोग, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारी चाल बदल जाती है, हमारे चरित्र बदल जाते हैं। शहीदों की जो बात आपने कही उसमें संजय झाला की 4 पंक्तियां बदल जाती है, क्या खूबसूरत पंक्तियां वो कहता है। हम किस तरह से बदल जाते हैं कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पर मर गए। संजय झाला की कितनी खूबसूरत पंक्तियां, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए, कहीं होंगे भगत सिंह तो कहते होंगे सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये हमारा सच रहेगा। मुझे लोग कहते हैं आप कवियां भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते, मैंने कहा मैं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। आप समझिए कि राजनीति को भ्रष्टाचार, राजनीति को गाली देने से देश में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता और होगा भी नहीं, और मैं कह भी नहीं सकता। बहुत आसान होता है नेताओं को गालियां, बहुत आसान होता है राजनीति को गालियां देना, बहुत आसान होता है उन चरित्रों पे उंगलियां उठाना जो पदों पे बैठे होते हैं, लेकिन उनको चुन के भेजने वाला मैं हूं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप मेरी बात के दर्द को समझना तो कहना चाहता हूँ सुरेंद्र दुबे, मेरे दर्द को समझना जो मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आखिर अधिकार क्या है? मैं अगर ट्रेन में जाता हूं और मेरे पास सीट नहीं है, मैं 500 रुपए दे के सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अगर मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के मिठाई का डिब्बा देके जाता हूं और नंबर बढ़वाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? सड़क में किसी कोई लड़की को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स से आता हूं बिना पैसे दिए छूट के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार चला के उसे नीचे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? अरे 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं, आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाकर समाप्त होगा। और हमारा तो अभी मैंने देखा जब आ रहे थे हम दिल से गाड़ी, कहा भावेश कौन, उसको पुलिस वालों ने आकर 2000 रुपया, वो तो पहले तो चौंक गया, पुलिस वाले पैसे दे रहे, बोले कोई गलती हो गई, बोले कोई गलती नहीं, इनाम है, जो सीट बेल्ट लगा के आएगा उसको इनाम मिलेगा, ये लीजिए आप सीट बेल्ट लगा के आए 2000 रुपये लीजिए, क्या करेंगे इन 2000 का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। हमारे तो कुएं में भांग पड़ी हुई, हम लोग करेंगे अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या करना, जीवन में आना जाना चाहिए। डॉक्टर भगवान जैसा आपने कहा, मेरे जीवन में खुशी आनी चाहिए, हम मारवाड़ियों की औलाद, विशुद्ध मारवाड़ी, डॉक्टर नरंग सिंह मैं तो जोधपुर का प्योर मारवाड़ी, हमारे बचपन से सिखा देगा आनंद एक ही चीज में, किसी चीज में भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में आया मारवाड़ी? अभी तो बच्चन साहब सवाल करते हैं, बताइए 7 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा आदमी उसमें यार, सवाल ही कैसा? क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, देखो मारवाड़ी को मैथमेटिक्स, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे मैथमेटिक्स में देखा होगा, उदाहरण देके पढ़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए, अच्छा ये मैथमेटिक्स का उदाहरण मुझे जीवन में समझ में नहीं आया, वो 3 बिंदु बना के चूंकि माना कि, कैसे मान लो माना कि चूंकि, हमारा जमाना तो ऐसा था, इन बच्चों को आज कहो तो मोबाइल फोन मिल जाता, हमें 5 रुपए के लिए नागिन नाच करना पड़ता था 2-2 घंटे तक, तो नहीं मिलता था हमें कुछ। तो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? इनका पेंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पेंट में क्या हो सकता है, हंस क्या रहा है इसमें, क्या हो क्या हो, अश्लील आदमी पंगा हो सकता है, हिसाब का कागज हो सकता है, तेरी कल्पना के घोड़े कहां बोल रहे हैं, वल्गर
इतना हंसी लाते हैं। बोले भाई साहब, मेरे पड़ोसों ने मुझे नहाते हुए देख लिया तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। तो टीचर गणित पढ़ा रहे थे, बोले पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए। क्या मतलब? मैंने कहा पेंट किसी और की है। बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूं पिताजी, 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे। इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का। अटंडी नहीं दे मेरा बाप। मैं जानता हूं वो सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है। हमारे भिखारी आ गए उनके पास, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने आजमोला दी, जब खा के आया तो बचा, कितनी देर खाता रहेगा। एक बार वो आगरा गए तो उन्होंने ऑटो वाले को पूछा, बोले ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचने ही नहीं है। अरे बोले चलने का? बोले 150 रुपए। तो इन्होंने बोला 150 क्यों, 100 में ले जा। तो ऑटो वाला बोला 100 में कौन ले जाएगा? बोले बैठ पीछे, मैं तैयार हूं। मैंने खुद हमारे घर पर शमशान घाट के लिए लोग, अच्छा आप देखो लोग मांगने भी कैसे आते हैं पवार साहब, शमशान घाट पे लोग मांगने आ गए। मेरे पिताजी को कुछ दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा है, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। कहेगा बेटा, अच्छा मेरे चाचा जी तो उनसे भी आ गए रमन सिंह साहब, लोग अनाथालय के लिए उनसे कुछ मांगने आए, उन्होंने तो औलाद दी। हम चीजें ऐसी, मेरे पिताजी एक दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या कर दी। सुरेंद्र दुबे जी, दर्जी ने लगभग आत्महत्या कर ली। पिताजी ने पूछा पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। धंधा ये है, कितने रुपए लेगा? बोले 400 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निकर सिले, निकर समझते ना, हाफ पैंट, हाफ पैंट होती है। एक बार शंभू शुक्र आया मेरे पास, मैंने कहा हाफ पैंट में कैसे? बोला सैटरडे हाफ डे। मैंने कहा कल आना ही मत। आप जब समझ में आए ताली बजाओ, मेरा क्या लेना देना। तो पिताजी गए दर्जी के पास, बस तेरे में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? तो देख बाल कैसे बड़े। पिताजी दर्जी के पास गए, उन्होंने लगभग आत्महत्या कर ली। दर्जी ने बोले पैंट सिलेगा? बोले हाँ सिलूंगा। कितने लेगा? बोले 400। बोले 400 बहुत ज्यादा है। निक्कर? बोले हाँ। उसके कितने? बोले 100 रुपए। बोले हाँ तू तो निक्कर ही सिल दे। अब वो नाप लेने लगे, बोले कितनी लंबी रखू? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी, नपाई मेरी, कुछ गलत थोड़ी कर रहा। हम चीजें ऐसी हैं, बहुत बारीक बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए, पांडे जी मुझे नहीं मालूम यहाँ के जितना समझ, ये मेरी टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई, हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सब सबके सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। कठोर का कठोर, और एक सेकंड देरी कर दो ढूंढते जाओगे, और फिर आदमी भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है, लाकर बिस्किट ला गया है। हिंदुस्तानी का कल्चर क्या है? तो उसी कल्चर के, हमारी कल्चर तो यही है। हिंदुस्तानी से बढ़कर किसी का आविष्कार हो सकता है? दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। हमारे से हमारा कोई जीत ही नहीं सकता हमसे। एक जगह को बड़ा पुल बनवाना था, पांडे साहब आप तो संसद में बैठते हैं, पुल बनवाना था, आ जाइए, पुल बनवाना था। बोले टेंडर कॉल किया गया था, चाइनीज आया। बोले कितने लगेंगे? बोले 6 लाख। 6 लाख क्यों? बोले 3 लाख मेरी टेक्नोलॉजी के, 3 लाख लेबर। एक अमेरिकन आया, कितने? बोले 12 लाख। 12 लाख क्यों? बोले टेक्नोलॉजी बेटर है मेरी, 6 लाख लेबर, 6 लाख टेक्नोलॉजी, अपना भी गया है। बोले 26 लाख। बोले 26 क्यों? बोले 10 आपके। बस मेरे और 6 में तो चाइनीज बढ़ा ही देगा, अपने को क्या दिक्कत है? ये अपना काम है। हम फंस जाए उस रात पैदा नहीं हुए, हमें कोई फंसा ही नहीं सकता। हम चीज ही अलग है। अमेरिका, अमेरिका खाए का अमेरिका, मैं गया अमेरिका, वहां ट्यूब में जाना था, एक लड़की मेरे पास बैठी थी, व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा तू बता व्हाट इज योर नेम? बोले मून। मैंने कहा मैं नील आर्मस्ट्रांग।
हम तो फतेह करने वाले लोग हैं। जो हमारा आप देखो, ये हमारा कमाल बजने वाला हम कितना समझ में आएगा, लेकिन हमारा कमाल देखो सिंह साहब, हम फंस ही नहीं सकते। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, बहुत साल पहले की बात है, बैंगलोर से बॉम्बे, ऊपर लेटा हुआ था, नीचे दो साहब बैठे हुए, चाचा भतीजा, आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे कान खड़े हो गए। हाँ तो वही तो बेटा सब याद करके आया तू है, तेरा नाम क्या है बच्चे? सम्यक बोथरा। अरे वाह क्या बात है सम्यक, बहुत अच्छा। अरे हाथ और खड़े, चुनाव लड़ने हैं तेरे को पार्षद का? बेटा मत करना ये काम, तो लड़ रहे बहुत दुखी है, चुनाव लड़ना बहुत बुरे काम होते हैं बेटा। हमारे मोहल्ले के नेता जी आज, हमारे उधर की बात है, उस एरिया के किस पार्टी के कहूंगा नहीं, बहुत गली सकरी थी तो आ रहे थे। मैंने कहा सर रास्ता दीजिए, बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता, मैंने कहा मैं देता हूँ निकल लो। उसके बाद वो पद यात्रा पे चले गए। मेरी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, डायरेक्ट अपन बात कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट किसी को गाली देना हमारा अपराध है ही, काम ही नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, किसी को जहर भी देना हो तो काय को जहर, जब बूढ़े के मरना तो जहर दे तो क्यों मारना, वैसे मार लो। हम लोग इतनी शक्कर खिला दे डायबिटीज से मरता है आदमी, जहर देने की क्या जरूरत है, हमारे पास इलाज बहुत अलग है। जैसे आपके घर में बहुत बढ़िया इलाज आपको बताता हूँ, मेहमान आया तो कुर्सी और टेबल की दूरी थोड़ी सी ज्यादा करें, बिस्किट और नमकीन दोनों बचेंगे। पक्के मारवाड़ी ये है, हम मारवाड़ी साहब। एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते साहब, जो हमारे भीतर और हैं, हम तो सीना ठोक के गए थे। वाह भैया वाह, तुम तो नेतागिरी पे उतर आए, ये कमाल हो रहे हो तुम यार, शांति रखो ना यार, धंधा करो अपना, आज तो नेतागिरी भी करो अपना, पैसा कमाने का ध्यान रखो तुम भाई। हम बता रहे, अच्छा मेरे पिताजी गए डॉक्टर के पास, एक बार रात को डॉक्टर के घर गए, बोले डॉक्टर घर पे कोई बीमार है, चलोगे? बोले चलूंगा। क्या फीस लोगे? बोले 600 रुपए। बोले चलो साहब। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, पिताजी बैठे घर पे आए, डॉक्टर उतरा, मरीज कहाँ है? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 300 मांग रहा था, इस चक्कर में 3 लोग आ गए, 900 में बच गए। हो जाता है, जीवन के अंदर ये बचाने का तरीका आना चाहिए। और देखो आप, मैं कितना समय भी बचाता हूँ, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, मैंने एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ। अच्छा मैं कभी कहूंगा भी नहीं, मैं जीवन में नहीं कहता, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारा काम कविता सुनाना, ये कोई ताली बजाने वाले हैं? अब बार बार कहने की क्या है, ताली बजाओ ताली बजाओ, समर्थन कम है ना, ये कम है, तुम्हारा काम है तुम सुनाओ, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, ताली बजाओ क्या बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है, ताली बजाओ मत रहो तुम तो यार, खुश रहना चाहिए जीवन के अंदर, बस ये जीवन में आनंद आना चाहिए, हंसी आदमी की होनी चाहिए, मुंह फाड़ के ऐसे पास वाला झांक के देख ले सुबह नाश्ते में क्या खाया था, मैं बनियान फाड़ हंसी होनी चाहिए आदमी, हाँ हंसी हो तो ऐसी हो, वरना कैसे हंसी हो, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये शंभू शिखर की शादी हुई, हाँ इसकी भी हुई शादी हुई तो पहली है इस तक की, देखो इस तक की हुई, सोचो ऐसा। खैर इन्होंने तो देश हित में नहीं की, अच्छा हुआ देश हित में नहीं की, देश बड़ा, ये कोई देश गाने वाला भी तो चाहिए। शंभू शिखर का विवाह हुआ, पहली रात को बीबी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई, वो थोड़ा शर्मा ही, बोले शर्मा मत ताली बजा। डॉक्टर सुरेंद्र के जब स्कूल में थे, एक जमाने में पढ़ते तो क्या थे, जिस जमाने में बचपन में 4th-5th में थे, इनका प्रिय विषय था भैंस, इनको विषय कोई भी दो निबंध भैंस पर ही लिखते थे, कोई विषय दो तो दुनिया निबंध भैंस पर ही, भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है। टीचर परेशान, बोले यार ये कमाल का आदमी है, हमेशा भैंस पर ही लिखता है, लेकिन आदत। एक नया टीचर आया, बोले अब देख कैसे लिखता है, इन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार, अब लिख बेटा, अब कुतुब मीनार पे सुरेंद्र दुबे जी ने लिखना शुरू किया, कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार कुतुब इतने अदब ने बनवाई, कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती,
इसकी चार टांगे हो चुकी है। आदतों के ये शंभु शिखर प्राण जाए पर मोजा न जाए। 2 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि आ रहा है। मोजा जब चमड़ी बन जाता है तभी उतरता है। बहुत वर्ष पहले आया जब मैं हॉस्टल में था उस वक्त पढ़ता था, मैंने बोले भाई साहब, मैंने कहा तू मुझे दूर रख, आदत की बात बता रहा हूँ, आदत कैसी होती है। बोले भाई साहब शाम को खाना, मैंने कहा मैं तो खुद किसी की पार्टी में जा रहा हूँ, अगर कोई शादी का खाना था वहां जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलता। मैंने कहा चल तू, पर छत है, मुझे ये नहीं, साले सब भाग जाएंगे वहां से। तो बोले साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, आप दिला दो। मैंने नहीं मुझे दिलाए पांडे साहब। मैंने कहा शाम को मिल देना। नहीं मुझे खरीदवा है, वहां आया शाम को खाना खाने, अंदर मिले जैसे ही प्लेट उठाई वही महक। मैंने कहा तेरे को मुझे दिलवाया था ना। बोले ये रे। तो मैंने कहा मेरी महक कैसे आ रही है। बोले वो ये रे। आदत नहीं जाती है ना आदमी, आदत कैसे जाए। और अब तो आदतें ऐसी बिगड़ गई है रमन सिंह साहब, आपको नई पीढ़ी का नहीं पता होगा, मैं इनसे रोज मिलता हूँ, ये लोग समझेंगे। हालत ऐसी हो गई जो भुवन मोहिनी कह रही थी वैसा इश्क प्यार तो खत्म हो गया। पहले इश्क खुदा होता था, इश्क खुदा है हम ऐसा गाना गाते थे, फिर इश्क कमीना हुआ, अब इश्क तोतला हो गया। मेले बाबू ने थाना खाया, अरे शर्म करो थोड़ी, मेले बाबू ने थाना खाया। वो हमारे यहाँ एक लड़की ने फोन लगा दिया लड़के के घर, तो लड़के की माँ ने उठाया। अब इसने सोचा ही नहीं कि लड़का है कि लड़की की माँ, ऐसी मेले बाबू ने थाना खाया। अब लड़के की माँ ने फोन पे हाथ रखा और लड़के को आवाज दिया तू पागल ही रहेगा, एक लड़की फंसाई वो भी तोतली, मेले बाबू ने थाना खाया। हालत खराब होगी, पता नहीं लोग कर क्या रहे। ये जितनी माए बहने यहाँ बैठी है मैं उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आप पता जब बुजुर्ग कविताएं सुन के हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो मुझे सिर्फ मेरी एक पंक्ति याद आती है, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। इनके होने से ये जो सम्मान हमें मिलता है जिसकी हद नहीं है, लेकिन हमारे इधर के तो बुजुर्ग भी ऐसे हैं, उनका एक ही काम है शादियों में मुंह बना के घूमो, ये ऐसा नहीं ये वैसा नहीं। एक बारात जा रही थी कुमार साहब, बारात जा रही थी, लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब फूफा जी अड़ गए, मैं तो चलूंगा। अब फूफा जी कहे शादी टूट जाएगी। बोले नहीं मैं तो चलूंगा, मेरे को बोरी में बंद करके ले जाओ पर चलूंगा। अब बोरी में बंद करके ले गए फूफा जी को। अब वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी कि हम रिश्ता तभी करेंगे, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है उसको रातों रात दूध की नदी कर दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, तो रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान, अब क्या करें। अब फूफा जी के मुझे निकाल लो बुरी में से, फूफा जी को निकाल। बोले क्यों चिंता कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे रिश्ता टूटेगा, रात में दधी करनी है ना दूध की, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलो बस खाली करा दो। हम दूध से कर देंगे। जैसे ये खबर वहां तक पहुंची लड़की वालों ने कहा बारात में कोई बुजुर्ग आया है क्या, हम उस परिवार में लड़की की शादी जरूर करेंगे जहां बुजुर्गों की बात मानी जाती है। और इन बच्चों को सिखाइए कि अपने दादा दादी नानी नानी के पास बैठे थोड़ी देर तो जिंदगी का बहुत सारा सबक ये लोग पाएंगे। उनके पास बैठाइए थोड़ी देर, वक्त दीजिए उनके, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस तबस्सुम और हंसी की जरूरत नहीं जो बच्चों से मिलती है। और ये जो आजकल की माएं बच्चों को बिठाना दूर पीट पीट के जो अंग्रेजी बोलना पे तुली हुई है, ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट, वन इज हैंड में, भाषा का ये हैंड बैंड में, ओनली इंग्लिश, तब मेरी एक बात सुनना, इंग्लिश लैंग्वेज है नॉलेज नहीं है, भाषा है ज्ञान नहीं है, ओनली इंग्लिश। आजकल तो नया चला है, मुझे नहीं मालूम आप तो राजनीति में है तो नहीं मालूम आप सुनते होंगे कि नहीं, आजकल औरतों में नया चला है, माफी के साथ कहना चाहता हूँ, पर सुना तो कहना पड़ता है, मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी हूँ, जो आसपास दिखता वही कहता हूँ, हेलो बेबी खाना खा लिया बेबी, मुझे नहीं मालूम राजन राम में बीमारी आई है नहीं आई है अभी,
बहुत बड़े आप धन्य धन्य हैं, आप लोग नहीं आइए तो जी संस्कार धन, ये तो क्या बात है साहब, यहाँ तो धन आए तो बहुत अच्छा, वरना आजकल पूरे देश में हेलो बेबी, अरे पति है तेरा, ऐसा है तो गोद ले ले बिल्ली 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 बिल्ली, और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाला हुआ बाहर आता है। मैंने कहा इसके एलिफेंट है और लिख ले बेबी, पर आजकल तो बाबू, बेबी नहीं बाबू, बाबू खतरनाक बाबू, अच्छा भला आदमी कलेक्टर हो तो उसकी बीवी भी बाबू, मैं कलेक्टर को भी क्लर्क बना रहे हो तुम लोग यार बाबू। वो एक लड़की गई आधार कार्ड बनवाने तो अंदर उसने कह दिया कि आधार कार्ड बाबू बनाएगा, तो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बाबू तुम आधार कार्ड भी बनाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मस्ती जिंदा है। चार पंक्तियां सुनाता हूँ फिर वो कविता सुनाता हूँ जो सुनाने का मेरा आज अचानक मन हो गया, क्योंकि इस धरती पर सुनाऊंगा वो चार पंक्तियां। आप जो इतने 25-30 हजार लोग बैठे हैं, इस देश में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो उसके बाद भी हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तब कहना चाहता हूं सुनना आप, इस देश के 80% चूल्हे वो हैं जो सुबह जले तो ये नहीं पता होता कि शाम को उस पे तवा होगा या नहीं होगा, वो इतने सारे पेट वो है जो सुबह भरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को पेट रोटी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी, बहुत सारे कदम बच्चों के स्कूल के वो है जो उन्हें ये पता नहीं होता कि वो स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके बाद भी देश हंसता है मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी से शुरू करता हूं जहां से मैं निकला गांवों से, और आपकी और मेरी ये जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, तब चार पंक्तियां कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, आखिर मेरी जिंदगी है क्या, मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी। तब एक कविता अंत में सुनाता हूं, इस कविता का विषय मुझे लगा आपने अभी जो बात करी थी मुझे सुना देनी चाहिए ये कविता यहाँ पे, कि अभी तक ये बीमारी यहाँ नहीं पहुंची है। मैं जानता हूँ 2 बज रहे हैं और आप लोग 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और आपने इतनी ऊर्जा इस कवि सम्मेलन को दी है, इसलिए बहुत हिंदी कविता ये हमारा मंच हमारी माँ है, इसलिए हम लोग इसके प्रति आभारी हैं और ये सच बोलने का काम करता है और आप लोग सच का साहस का साथ दे रहे हैं, इसलिए अंत में आपको ये कविता सुनाता हूँ। इस कविता का जन्म हिंदुस्तान में नहीं ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ था। सुनना मैं क्या कहता हूँ, इसी धरती पर सुना सकता हूँ और आपको लगता है कि अगर इस धरती पर कविता सुनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा। ह्यूस्टन अमेरिका में इस कविता का जन्म हुआ था। हुआ यूँ रमन सिंह साहब पांडे साहब कि जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, जैसे हम सब तमाम लोग काव्य पाठ में देश की बात करते हैं, आप देखिए तमाम ये कवि लोग चाहे कितनी भी बात कर ले अंततः इनके भीतर सिर्फ मुल्क होता है। तब एक शायर के 2 शेर में इनके नाम करता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। जो वतन है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब मैं सुनाता हूं ह्यूस्टन में ये आखिरी के 5 मिनट और ये कविता आपको सौंप के जाना चाहता हूं। ह्यूस्टन में जब काव्य पाठ कर रहा था तो करके जब बैठा तो एक लड़का आके बोला कि भाई शैलेश माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो मेरा देश महान है, मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है। यकीन मानिए मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत कष्ट होता, लेकिन आप मेरे दर्द का कारण समझना जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे को दर्द इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मुझे ये कहने वाला कि तेरे मुल्क में क्या रखा है वो लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था, वो हिंदुस्तानी जिसके शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देशवासी को ये कहे कि तेरे देश में क्या रखा है, तब पीड़ा कितनी हुई होगी। तब एक कहानी से शुरू करता हूं ये बात कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है, तो सोने आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं कि सोने और लोहे को बनाने के पहले लोहे में आग में तपाया जाता है, थोक पीट के उसको सीधा किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा लोहे तू लोहा है मैं सोना, मुझे सुनार बनाता है बनाने के पहले और तुझे लोहार बनाता है, सुनार जब मुझे बनाता है ठोकता पीटता है तो मैं आवाज नहीं करता चुप रहता हूं, लेकिन लोहार जब तुझे ठोकता पीटता है तो इतना चिल्लाता क्यों है। लोहे ने जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है, मेरी कविता की आत्मा है, मैं टांगता हूं उस पर। लोहे ने कहा कि यार सोने तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। अब सुनाता हूं 5-6 घंटे से यहां बैठे हैं
मैं ऊर्जा नहीं मांगता, बस देश के प्रति प्यार मांगता हूं, तब कहता हूं कि आखिर हमारे देश में रखा क्या। जैसे हमारे देश में तो आजकल आटा लीटर में मिलता ही है, ये हमारे देश में ही है, ये हमारे देश में ही हो सकता है, और तो कहीं हो ही नहीं सकता हमारे देश में। जैसे छत्तीसगढ़ में आप आओ कभी, हमारे आप इस देश में आप किसी भी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप गाड़ी तेज चलाओ मरेगा साला, आप धीरे चलाओ पार्क में चला रहा है क्या, आप बराबर में चला दो अपने बाप से रेस लगाएगा। मेरी गाड़ी के आगे एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब, बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। एक से मत, ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तब सुनाता हूं कि हमारे देश में क्या है, दुनिया के पास नहीं, कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और अपने पिता से कहने लगा, ओ कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये दो दृश्य सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आखिर मेरे देश के पास क्या है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया, कहने लगा कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने कहा काम की बात चल रही है, सुनो, अपन सूखे प्रदेश राजस्थान के लोग, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले ओके ओके, डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज अ नॉनसेंस एंड चेंज हर। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा और दूसरी लड़की, वाह क्या। अभी आप कह रहे थे बीमारी आई नहीं है, आप संस्कृति की बात कर रहे थे, और क्या कमाल का शब्द इतने सारे लोगों ने सौंपा है पटा, इसी से आपके चरित्र का पता चलता है। लेकिन चलिए अब आपने सौंपा है तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। वैसे इस शब्द के प्रयोग के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अभिषेक आप तो युवा हैं, आप जानते हैं कि जो परिश्रम, जो मेहनत, जो ताकत पटाने में, वो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खाके मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द ले आओ। बोले कैसे, मेरे को तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा वाइफ को क्या बोलते, पत्नी को क्या बोलते, बोले वाइफ। मैंने कहा लुगई। मैंने कहा तुम्हारा किसी से प्यार हो जाए तो क्या बोलते, बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने यहां तो लफड़ा ही होता है, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है हिंदी में, तुम उसका अनुवाद कर लो बस। बोले क्या बोलती है। मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक ली है। मैंने कहा ना कर्म और ठोक तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा के लिए एक बार बताइए, हमारी अद्भुत भाषा है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। अब मैंने कहा कर इसका ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा जिगर का फूल, फ्लावर ऑफ लिवर। ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैंने कहा गजब का बात है, सारी चिंता हटा और दूसरी लड़की। मैंने कहा ए खुदा, मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता, मजे से लड़कियां घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तीन बार तो इसलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। मुझे पांचवी क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। इतना पीटा मैं, घर में आते ही कभी भी पीट दिया। हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण पीटो, कारण पूछे तो और पीटो, बस पीटो, बस औलाद को पीटो। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तो इसीलिए तीन बार कूटते हैं बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। अमेरिका कितना अच्छा है, हम इनसे कितना पीछे है, कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। और दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार, लड़की आए कहने लगी मॉम आई जस्ट कैंट। अभी आपने देखा होगा सिंह साहब, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाला इतने हिलते क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया। यू नो आई वांट टू से यू सी, एक आया मेरे पास चले जी ना, मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा रहता आई वांट टू सी, तो डांस क्यों कर रहा है तू इतना यार, और इतनी अवैज्ञानिक भाषा है। इसके चक्कर में मेरा एक दोस्त अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स ले गया। मैंने कहा क्यों, बोले यही लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैंने कहा फिर तो डोमिनेंस ले जाता, परमानेंट डिलीवरी इन 30 मिनट्स। कुछ भी, इस देश अंग्रेजी इतनी अवैज्ञानिक भाषा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार, लड़की आई मॉम आई जस्ट कांट लिव विद गाय हुम आई लिव। अच्छा हम ये अंग्रेज जब तक अंग्रेजी बोले जब तक तो ठीक है, पर ये लोकल फॉरेनर, ये लोकल फॉरेनर ही तो है सर। यू नो आई नो, हिलते हिलते
कमा डैड बड़ा बैड डे। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दम था। लड़की आई कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दिस गाय हुम आई लिविंग विद फॉर 2 इयर्स। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ रह रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। हम इनसे कितना, अब वो शुरू करता हूँ वो दृश्य जिसके लिए मैंने पूरा दृश्य रचा कि मेरे देश के पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब एक एक बात और मानता हूं आपके भीतर का हिंदुस्तान के हमारे देश के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे देश में ही हो सकता है साहब कि पुलवामा में झुंझुनू का एक सैनिक जो शहादत देता है श्योराम, उनकी पत्नी उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है, लेकिन जब श्योराम का अस्थि कलश आता है तो उसको कांधा देने बाहर निकल आती है। 9 माह की गर्भवती, वो इसी देश में संभव हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता। हमारे देश में ही हो सकता है। तब कहता हूं कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां, ये इसी देश में हो सकता है। आप जाइए अमेरिका में, अमेरिका में अगर आप किसी इलाके में जाएंगे तो लोग शायद अपने प्रतिनिधि को जानते भी नहीं होंगे। ये इस देश की ताकत है कि कोई जनप्रतिनिधि इतना लोकप्रिय हो सकता है कि उसके जन्मदिन के दिन 40,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाए। ये इसी देश में हो सकता है और कहीं संभव नहीं है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। अब सुनना, यहां से बात शुरू करता हूं। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे बेटा ये बातें, रोशनी, ये चमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिसते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। मुझे कह रहे हैं हम तो दियाए कर रहे हैं बदियाए कटियम के लोग, हमारे यहाँ रिश्तों की क्या कीमत है। तब कहता हूं वो मुझे कहते हैं कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता। और अगली बात में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा। वहां शाम तक बेटा घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों हमारे पास जो है उसके होने का एहसास नहीं करते हम लोग। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203-204 देश है साहब। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते दुनिया भर के देशों में जाता हूं। आप सब लोगों ने दुनिया घूमी होगी, इन सब की कविताएं सारी दुनिया में गूंजती हैं। इनकी उपस्थिति में कहता हूं पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा कोई देश नहीं है। सबके नाते बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना भाई। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोष दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं, चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी। अभिता मैं एक बात कहने जा रहा हूं, आज के कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्तियां, और दावा करता हूं अगर आपके भीतर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान दौड़ता होगा तो यहां से लेके वहां तक आप एहसास कीजिएगा कि आपके पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हम सब नहीं जानते। मैंने कुछ भी खास नहीं लिखा, अभिता में एक शब्द भर लिखा है जो देश के घर आंगन में पलता है, जो हमारे शिराओं में हिंदुस्तान बनकर दौड़ता है, जो हमारे साथ रहता है। और दावा करता हूं दुनिया भर का धन वैभव, यश, संपदा, कीर्ति ले लीजिए, तराजू के 2 पलड़ ले लीजिए और तराजू के 1 पलड़ में दुनिया भर का धन वैभव, यश, संपदा, कीर्ति रख दीजिए और तराजू के 2 पलड़ में मेरे देश का सिर्फ 1 शब्द सौंपता हूं आपको और आपको लगे कि वो 1 शब्द दुनिया भर के वैभव में भारी है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाते हैं, हम जानते हैं, पर वो ऐसा क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा चंद्रशेखर आजाद माउजर चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन किस वजह से करते हैं मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु यहां अपने बेटों को दीवारों में चिन्ह देते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्नाधाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है लेकिन क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है लेकिन किस वजह से करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि अश्वनित हमारे केसर की क्यारी में उगता है लेकिन क्यों उगता है, मैं ये लिखता हूं। और सौंपता हूं 1 शब्द, अगर इस जगह, इस धरती पे अगर उस शब्द
की कीमत नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। आपके घर आंगन में पलने वाला मेरा हिंदुस्तान, आपके घर आंगन में पलने वाला वो एक शब्द जो हमारे शिराओं में दौड़ता है और वो शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है, तो बताइएगा जरूर कि सुरेंद्र दुबे का छत्तीसगढ़ है। तब कहता हूँ बात में दोष दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूँ डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को याद करते हुए ले जाइएगा कि बात में दोष दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है, मेरे देश में संस्कार है।